आराम से, आराम से इसको लग जाएगी। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। इसको दो साल से हम कोशिश कर रहे थे करने की, फाइनली आज हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बात की थी टफेस्ट ट्रेल की, उसी ट्रेल को आज करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज दो चार राइडर्स और जुड़ चुके हैं जिनको मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। फिलहाल हो गया हमें लेट बहुत ज़्यादा, सारे गियर्स पहन चुका हूँ, सिर्फ एक हेलमेट लगाना है। हेलमेट लगाते हैं और निकलते हैं फटाफट, मिलते हैं सीधे मोटरसाइकिल पे। वेलकम बैक, हमें आज करना है डेटवास ट्रेल, जिसको हमने एक बार की थी ट्राई, लेकिन उस दिन पॉसिबल नहीं हो सका। जो गलतियां हमने उस दिन की थी वो गलतियां आज रिपीट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वो गलतियां मद्देनज़र रख के हमने ये प्लान बनाया है। एक तो ये कि उसमें मैन पावर चाहिए, हम उस वक्त दो ही बंदे थे। दूसरा, हमारे पास हाइड्रेशन पैक यानी पानी वगैरह था नहीं। इसके लिए हमें पहले बांडीपोरा से सुरेंद्र पहुंचना है, जो अराउंड 14 किलोमीटर दूर है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। आज पहली बार मैं फील कर रहा हूं कि जैसे मुझ में हिम्मत ही नहीं है, या तो मुझे लगता है डर कह सकता हूं, क्योंकि वो ट्रेल ही ऐसा है, या तो डर है या तो कोई और वजह है। सर में हल्का हल्का सा दर्द है, बट होप इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं तो वहाँ वेट कर रहा था आपका। सलाम गाइस, फिलहाल हम पहुंच गए हैं सुरेंद्र और यहां से जो है असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। यहां हम रुके लगभग 15 मिनट हमें हो गए। यहां से हमने पानी वानी जो है अपने हाइड्रेशन बैग्स में ले लिए हैं, कुछ पानी की जो बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स एक्स्ट्रा, वो भी ले ली है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है ऐसी ट्रेल पर। तो कल जिसकी मैं बात कर रहा था, टफेस्ट ट्रेल है, इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। अभी प्लानिंग करेंगे कि किस हिसाब से निकलेंगे और अकॉर्डिंग टू प्लान ही हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आई होप कि हम इस चीज़ को पॉसिबल कर पाएंगे आज, क्योंकि आज तक किसी टू व्हीलर ने नहीं किया है। तो हमें भी इंशाल्लाह ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है और अपनी स्किल्स पे भरोसा है। देखते हैं कि आज मुकद्दर में क्या लिखा होगा। चलो करते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह। आज की राइड, आज का एडवेंचर स्टार्ट। थोड़ी सी गैप रखना, हाँ अच्छी खासी गैप रखना बीच में, ठीक। या खुदा यार, आगे एक जो है बहुत स्टीप और टफ टर्न आने वाला है, उसने हमारा लास्ट टाइम का प्लान जो है उसको बिगाड़ा था। आई होप कि वो आज इजीली हो जाएगा। थोड़ी सी प्लानिंग हो गई है, मैं लीड करूंगा और बाकी बंदे साथ आएंगे उस पॉइंट तक, उसके बाद वन बाय वन सारे आगे जाएंगे। बिस्मिल्लाह, ऑफ रोड करते वक्त अपनी मोटरसाइकिल्स के जो ग्रिप्स होते हैं उनको टाइट से रखना है, बाकी सारे जो भी आर्म के आपके ना बाजू के जॉइंट्स हैं उनको सॉफ्ट रखना है, सो दैट कि आप ज़्यादा नहीं थकेंगे। यहाँ हम विंटर में आए थे, उस दिन तो हमने स्की की थी यहाँ। फिलहाल यहाँ वेट करते हैं, आने दो बाकी बंदों को। यह अपने वसीम भाई आ गए हैं, इशफाक भाई, ये अपने दानिश भाई। असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है, असली एडवेंचर अब शुरू करें स्टार्ट। हाँ हाँ, ऐसे फिर ऐसे करना ऊपर तक, वहाँ ततश इजी, उसके बाद टफ है। बिस्मिल्लाह, दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसको पहले हम मोटरसाइकिल्स यहाँ रखते हैं, टेस्ट के चेक करते हैं आगे क्या है। ये है मसला कि बहुत ज़्यादा स्टीफ है, ऊपर से ये जो पत्थर है ना, इन पे चलना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा आगे तक मैं जाऊँगा, कंफर्म है कि यहाँ हमने जो है
पुश करना है मैन्युअली, उस चीज़ के लिए हम मेंटली जो है तैयार हैं। लास्ट टाइम मैं और इमरान भाई यहीं तक आ सके थे, ठीक है। आई होप कि आगे मुझे याद है वहाँ तक हम गए थे उस दिन। यहाँ से तो इजी है बट ये इजी नहीं है। फिलहाल वापस जाते हैं, मोटरसाइकिल्स को मैन्युअली पुश करके यहाँ तक लाते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। आराम से इसको लग जाएगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट पार्ट यही था, उफ। सो गाइस हम लोग पहुँचे हैं, सारे मोटरसाइकिल्स जो हैं फर्स्ट फेज तक हमने कंप्लीट किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, मुझे लगता है लगभग 85 डिग्री से ज़्यादा है इसका एलिवेशन। और आगे एक और चैलेंज है, बंदे उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि उसको कैसे क्या करना है। करना तो ज़रूरी है लेकिन प्लानिंग के साथ। 12:30 हो चुके हैं और अभी हमने सिर्फ फेज़ वन ही कंप्लीट किया है, आगे पता नहीं कितने और फेज आने वाले हैं। क्या है अपडेट? आगे फिर ठीक है? कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से? सेकंड फेज के लिए तैयारी, बिस्मिल्लाह तौकलतुल्लाह। दानिश नहीं, वसीम भाई और इशफाक भाई ऑलरेडी जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली डिड इट विदाउट एनी एफर्ट। तो फेज टू हमने कंप्लीट कर लिया ना? यस वी आर डन फेज टू। आप बता सकते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा? तब एक्सट्रीम ट्रायल, बहुत एक्सट्रीम ट्रायल है, नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी एज दे से। आप यू कैन ट्राई योर लक, कम आउट टू दिस प्लेस एंड टेस्ट योर स्किल्स। एक्चुअली क्या था कि इशफाक भाई अक्सर ऐसे ट्रेल्स ना करते रहते हैं और मैंने इनको बताया कि चलो एक ट्रेल है जो सबकी जो है ना क्या बोलते हैं सबका टेस्ट ले लेती है, उसको कर लेते हैं। तो आज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुनने में आया कि आगे उतना टफ नहीं है, तो लेट्स सी। निकल रहे हैं हम बिस्मिल्लाह आगे के एडवेंचर के लिए। सैडल 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 इसका हल है बस, और कुछ नहीं। वाह माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत व्यूज, खूबसूरत खूबसूरत ऑफ रोड्स। इंटरकॉम का थोड़ा मसला है आज, उसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमने बार बार रुकना पड़ता है। तभी मैं कहता हूँ कि इंटरकॉम होना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह ओहो हो हाय हाय बिस्मिल्लाह। आख मिठा दियो एक्सलेटर एक्सलेटर दियो। ऑयल ऑयल डोंट वरी, पकियो पकियो। उसका स्टैंड भी फंस गया पता नहीं क्या। डाल 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 ये इसका एयर फिल्टर जरूरी खोलना, इसके फिल्टर में चला गया है।
पार्ट ऑफ एडवेंचर। भाई वसीम भाई की बाइक को ना यहाँ पे मसला हुआ था, वो थोड़ा ऐसे गिर गई थी जिसकी वजह से उसका एयर फिल्टर वाले सेक्शन में ऑयल चला गया था। तो अभी हमने उसका एयर फिल्टर जो है उसको निकाल दिया बाहर। ये मडी पैच सबसे गंदा होता है क्योंकि इस पे मैं गिरा था एक बार गुलमर्ग जब गंडोला फेज वन किया था तब मैं गिर गया था वहाँ इसी मडी वाले पैच की वजह से। सर भाई भी उनके साथ है। ओए होए होए मैन माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त फील है। बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है एंड ट्रेल क्या मज़ेदार है। हाँ चलो सैडल करते करते चलते हैं। कोशिश करता हूँ यहाँ से बीच से फिर ऐसे करना। हाँ जी यस 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 उनको वेट करना पड़ेगा। रुक 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 भाई चल नियर्स 201 किलो इसका वजन तो है। जल 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 ओह भाई ओह आराम से मुझे लगता है कि मैं जैसे सपना देख रहा हूँ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अभी ये चीज़ें उतनी टफ नहीं दिखती है। कहीं पे स्पॉट देख यार रुक। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर क्या ब्यूटीफुल सीन्स है भाई, खूबसूरत कमाल के सीन्स हैं। आपको लगा ये जो ये वाला लास्ट वाला लूप जो था बहुत ज़्यादा टफ, लेकिन मुझे उतना टफ नहीं लगा। बंदे की प्रैक्टिस जब होती है ना वही मैं बता रहा था वीडियो में मेड इट लुक इजी। यस चले आके उनका वेट करना है नहीं लेट देम कम। गाइस 1:45 हो चुके हैं एज पर लोकल्स जो हमें अभी मिले नीचे उनके हिसाब से मुझे लगता है अभी 3 किलोमीटर और है। लेकिन मतलब कितना मजा आया, कितना हम एंजॉय किए इस ट्रेल को। मतलब मैंने नहीं सोचा था इतना मजेदार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो पहले वाला पार्ट था वो बहुत ज़्यादा टफ था, उसने सिखाया। बाकी जो थे ये कुछ इजी नहीं थे, ये भी टफ थे लेकिन ये हमें उतने टफ नहीं। Let me show you something, man. Check out. ये देखिए। I'm sweating like hell. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेरा भी हाल है भाई। तो हम लोग अभी रुके हैं इशफाक भाई और मैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं वेट दानिश भाई और वसीम भाई का। चलना भाई हम लोग दो दो बंदे हैं। बिस्मिल्लाह कैसा बच्चों ठीक पाठ खत्म हो चुका। अच्छा अच्छा ओ मजे 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 Oh,
चल चल शेर आ घबरा चल 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 कमान कमान शेर कमान शेर चल 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 आख मिनट आख मिनट आख मिनट आख मिनट Paksa. Ei näe, kas on kuni paks. Kar khada bhi. Lot kar. अभी हम घने जंगल में फंसे हैं। दानिश भाई का मोटरसाइकिल नीचे गिरा था और जिसकी वजह से जो ऑयल है ये फिल्टर वाले सेक्शन में आ गए। अभी हम इसका फिल्टर निकाल के फेंक देते हैं फिर आगे चलते हैं। मेरा गोप्रो डाउन हो चुका है जिसकी वजह से मैं गोप्रो से अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने गलती से मैं आज अपना जो पावर बैंक है उसको मैं घर में भूल गया। मौसम जो है ख़राब होने लगा है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द डेटवास मेडो तक पहुँचने की और फिर वापस। वहाँ तक है मोटरेबल। मोटरेबल मतलब वहाँ तक जा सकते थे, उसके बाद रोड बंद है। मैन ऑन मशीन है बराबर की ओनली। ये इम्पॉसिबल था, खासकर मैं कहूँगा क्लासिक पे वाज इम्पॉसिबल। अगर हम चार राइडर्स नहीं होते, बाकियों का सपोर्ट नहीं मिलता तो मुश्किल था यहाँ तक आना। आगे पॉसिबल नहीं था फिर, सो इसलिए हमने यहाँ तक ही बाइक चलाई। और हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम ट्रैक करके मिडो तक जाएंगे। ये है जी यहाँ का सिस्टम कह सकते हैं आप। ये है जी यहाँ का हाल जो कि इम्पॉसिबल है हमारे लिए सबके लिए। ये वाह माशाल्लाह। तो अभी डेटवास का मेडो जो है वो लगभग 200 मीटर दूर है, लेकिन जहाँ हमारी बाइक्स नहीं जाएंगी वहाँ हम नहीं जाते। सो वी आर द फर्स्ट बाइकर्स, मैं, दानिश भाई, इश्फाक भाई, वसीम भाई, जिन्होंने यहाँ तक अपने मोटरसाइकिल्स को लाया है। आज तक किसी ने ऐसी ट्राई नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। इसको 2 साल से हम कोशिश कर रहे थे करने की, फाइनली आज हो चुका है। तो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म डेटवास मेडो से। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक दबा देना, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप ऐसा एडवेंचर करना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी मशीन उस हिसाब से चूज़ करें और उसके बाद कम से कम 4-5 बंदे होने चाहिए, बाकी ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।